मुनव्वर राणा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दुनिया के ख्यात शायर और माँ पर शेर लिखने वाले जाने माने शायरों में शुमार राणा ने भोपाल की फिजाओं को रंगीन कर दिया। वे जश्न उर्दू कार्यक्रम में शामिल होने भोपाल आए थे। इस बीच मुनव्वर राणा से एक्सप्रेस समूह के संपादक सौरभ जैन ने खास बातचीत की। पेश है इस बातचीत के कुछ अंश। वर्तमान में देश में असगुणता की जो बात हो रही है उसका वातावरण है, उसके बारे में आप क्या? आप देखिए, ये बात मैंने शायद 2 साल हो गए हमारे साथ जब हमने अवार्ड वापस किया था, यही असही शूर था। हमने कहा था तो पूरा देश नाराज हो गया था, एक देश का एक तबका नाराज हो गया था और मुझे भी गालियां बहुत दी गई थी। लेकिन एक हल्का ऐसा भी था जो कहता था कि नहीं, मुनव्वर राणा जो है ये किसी सियासी पार्टी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी राजघराने से भी नहीं है, इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है, ये अपनी तरंग में मस्त रहते हैं, इनको तो पूरी जिंदगी माँ पे शेर कहने का मौका मिलता रहे तो वो माँ की इबादत करते रहे, एक एक माँ को मोहब्बतें इज्जतें दिलाते रहे, बेटों को ये तौफीक देते रहे कि वो अपनी माँ से मोहब्बत करते रहे। इनका तो कोई ऐसा उस वातावरण में जिंदा ही नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन जब हमारा जैसा आदमी अगर ये चीख पड़े तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खतरनाक रहा होगा। मैंने उसी वक्त मैंने ये बात कही थी कि कलबुर्गी वाला केस रहा हो या उसी जमाने में एक केस और उठा था अशोक भैया बोलकर पंसरे, हाँ पंसरे और अखलाक, तो हमने कहा कि अखलाक एक आदमी था, अचानक उनको 100 लोग गए जाके मार दिया, तो हमने कहा अगर एक आदमी को 100 लोग मिलकर मार दें तो इसका मतलब है हमारे मुल्क से गांव खत्म हो गया है, क्योंकि गांव में पंचायत होती थी, फैसले होते थे, ऐसा तो नहीं होता था कि ये अचानक पूरा गांव उठे और एक आदमी को मार दे। अब अगर ये एक्शन का रिएक्शन और रिएक्शन का एक्शन होता रहेगा तो इसमें हमारा मुल्क कहां चला जाएगा। तो मैंने इसलिए मैंने वो अवार्ड वापस किया, लेकिन उस पर दुनिया भर के मेरे ऊपर भी ये वो मीडिया पर वगैरह वगैरह वगैरह, सर मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं अपना कलंदर आदमी अपनी दुनिया में मत रहता हूँ। लेकिन दुनिया भर के हंगामे हुए, होते होते आप देखिए बात अब यहाँ तक आ पहुंची है कि रायबरेली से लखनऊ में मैं आजकल रहता हूँ, बच्चे अच्छे मेरे वहीं रहते हैं, मुझे तो रायबरेली ही अच्छी लगती है, वहीं पैदा हुए, इंशाल्लाह मर के भी वहीं जाएंगे। हालांकि ये मैंने कह रखा है कि अगर किसी वजह से रायबरेली की मिट्टी नसीब ना हो तो मुझे इंदौर में दफन किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, भोपाल।